यार मेरे मामा कहा करते थे कि बेटा अगर तेरे को बीटेक के बाद दो तीन लाख रुपए की नौकरी करनी है ना तो मेरी गांव के जमीन में चौमिन का स्टॉल लगा लिया वहां से ज्यादा पैसे बन जाएंगे तो ये स्टेटमेंट मेरे को उस वक्त मजाक लगती थी बट आज के की, की हालत बोल के मेरे को लगता है कि ये सही में यही स्थिति है अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है यार तो आपको जरूरत है कुछ बैकअप ऑप्शन की ऊपर के एक बच्चे तो मेरे दोस्त आई आई टी एनआईटी ट्रिपल आई टी इन सारे कॉलेज में बैठ जाते हैं पांच बच्चे मान ले चल दस लाख में से पचास बच्चों का ये फेट सील हो जाता है बट बाकी के साढ़े लाख बच्चे

के लिए भी हमें रजिस्टर करके चलना होगा ताकि अगर जी हमारा के बारे में सुना है की बेस्ट हम इसे बोल सकते हैं। और भी इसका नाम आता है तो के अगर आपको एडमिशन चाहिए ये वाला एग्जाम लिखना होगा इसके अंदर एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलेगा आपकी बहुत सारी सेंट्रल यूर्सिटी ज है उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा डेली यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं सी टी के थ्रू आपको मिलने लग रहे हैं तो उस केस में भी आपको इसके लिए रजिस्टर करना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा जैसे मैंने आपको बताया बी के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे भी हमारा सी चलने लग रहा है सीआईसी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर डेली यूनिवर्सिटी की बीटेक की डिग्री मिलेगी और इसके बहुत ज्यादा बढ़िया प्रॉस्पेक्ट चलने लग रहे हैं प्लेसमेंट्स वगैरह के टर्म में कंसिडर कर सकते हो पचास परसेंट मार्क्स चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लो पीपीटी को टेलीग्राम पे डाल दूंगा देख लेना आगे मैं आपको लेके चल

यार आपको बिल्कुल देने की जरूरत तभी है अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चलने लग रही है इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है ट्रिपल आई हैदराबाद के फाइव ईयर वाले बीटेक आई, ट्रिपल आई यार वो कॉलेज है जब एप्पल जो आपका मन है कि कॉलेज जाऊंगा तो आई लूंगा भैया सबसे पहले एप्पल पहली बार किसी कॉलेज में प्लेसमेंट लेने आया था आई टी बॉम्बे दिल्ली मद्रास कानपुर खड़गपुर कहीं भी नहीं आया था वो आया था ट्रिपल आई हैदराबाद के अंदर ये यार इस कॉलेज का टोरा हवा इस कॉलेज की ये मैं आपको

बिट्स पिलानी क्रेजी प्लेसमेंट्स क्रेजी कॉलेज लाइफ सब कुछ क्रेजी और पहली सबसे मेरे को जो बढ़िया बात लगती है वो लगती है कि यहाँ के बच्चों का लेवल अलग है ठीक है क्वालिटी अलग है डिसेंट क्राउड आता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी होती है एक्टिविटीज बहुत सारी है पच्चीस लाख दे रहा है अगर कोई तो वो इंडिया के टॉप वन परसेंट में है मतलब रिच क्लास में राइट right? तो फिर वहां से अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल <laughs> एक गाँव से आते हो छोटा टीयर टू टीयर थ्री शहर से आते हो तो उस केस में अगर आप बिट्स पिलानी में जाते हो तो वहां से अगर आपका दिमाग बहुत खुलेगा आपको चीजें समझ आएगी पर्सनलिटी डेवलपमेंट अच्छी होगी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे सारे एग्जाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और पीपीटी टेलीग्राम चैनल के नाम से वहां पे अपलोड कर दूंगा मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम ये है यार हमारा चौथा अगेन फिर से भैया महंगे महंगे कॉलेज बता लो आप यार ये भी बीस से पच्चीस लाख रुपए की डिग्री है बट जिन बच्चों का बिट साइड नहीं होता है उनके लिए मनीपाल एंट्रेंस एग्जाम हमारा रहता है तो अगेन सेम सारी कंडीशन अगर बहुत कम है यार आपका बजट तो बिल्कुल छोड़ दो आगे स्किप करो दस दस सेकंड करके इसके आपको एम आई का कैंपस मिलेगा बैंगलोर में तो इसका नया कैंपस खुला है मिनीपाल में कैंपस बस इसका कर्नाटका में एक जयपुर में है एक सिक्किम के अंदर आपको कैंपस देखने को मिल जाता है प्लस फोर माइनस वन की आपकी इस एग्जाम की जो मार्किंग स्कीम है वो रहती है अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा रजिस्टर करने के लिए लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम है जय मेन से बहुत ज्यादा आसान लेवल का होता है मेरी थ्री डिजिट रैंक आ गई थी इस एग्जाम के अंदर मेरे को याद है तो मेरे को मेन कैंपस में कंप्यूटर साइंस मिल गई थी मैं वहां नहीं पढ़ा आई एंडेड अप गोइंग टू अ वे बेटर कॉलेज बट जई मेन से ज्यादा ईजियर है टिपिकल एनसीआर बेस्ड सिलेबस है और दो घंटे का इसका ड्यूरेशन रहता है साठ क्वेश्चन

कि बेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से ठीक है क्यों इस कॉलेज का नाम है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है हर जगह देखोगे आपको बड़े बड़े बैनर देखने को मिलेंगे तो वी आई वेरी अडवर्टीजमेंट बेस्ड कैंपेन जो ये लोग रन करते हैं हालांकि इनका जो वेल्लोर तमिलनाडु का कैंपस है वो अच्छा है चेन्नई भोपाल अमरावती में एडमिशन मिल भी जाए तो बिल्कुल मत लेना कोई भी ब्रांच मिल जाए कंप्यूटर साइंस मिल जाए आपको डायरेक्टर बोलते कॉलेज का मैं खुद पढ़ाऊंगा साक्षात आपको आपको नहीं लेना एडमिशन वी आई टी के अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कोई आई टी नहीं आई टी की स्पेशलाइजेशन नहीं अगर ये वाली ब्रांच आपको है, तो आपको जाना चाहिए कितनी है भैया अगर बीटी के अंदर अच्छी रैंक आ जाती है तो चौदह से पंद्रह लाख रुपए में आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी बट वीटी में गंदी रैंक आती है आपकी और आपको फिर कंप्यूटर साइंस लेनी है तो ये कॉलेज बन जाता है लुटेरा और आपसे मांगेगा बहुत सारे पैसे की आपकी थोड़ी कम रैंक आई है चलो चौदह की जगह अट्ठारह लाख दे दो अच्छा थोड़ी और कम आई है चलो बाईस लाख दे दो थोड़ी और कम आई है छब्बीस दे दो अरे आपकी तो बहुत कम है बट आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो बेटा जमीन तो बेचनी पड़ेगी गाँव की अब तीस लाख रुपए की बीटेक होगी बट वी आई की कंप्यूटर साइंस की डिग्री

चौबीस लाख रुपए का क्रेजी है क्रेजी आरोप है ठीक <सकतिण> है हंड्रेड एक्स आई बॉम्बे भी आठ लाख रुपए दस लाख है चौबीस लाख का पैकेज लगवाता है लाख लाख का तीस तीस लगाता है बैठना पड़ेगा हां जी वेस्ट बंगाल वाले लोगों के लिए कोटा है इसमें पिचासी नब्बे बट अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को दिल्ली यूपी और पंजाब से स्पेशली मूव करते हुए देखा है वेस्ट बंगाल के जाधवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा पॉलिटी ली स्टिम्यूलेटेड है ये कॉलेज वो एक दिक्कत देखने को मिलती है बट आई थिंक यू कैन मैनेज जादवपुर यूनिवर्सिटी में कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इन सारे कॉलेज से आपको ये वेस्ट बंगाल का जय है जय होता है नेशनल लेवल का इन्होंने बोल दिया डब्ल्यू ज्यादा मेहनत भी नहीं करी क्रिएटिविटी ने दिखाई डब्ल्यू बीजेही बोल दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के सामने आपको देखने को मिल जाता है तो इसका यार लास्ट वीक ऑफ अप्रैल दो हजार चौबीस में होने वाले हल्का सा जई मेन से टफ रहने वाले एडवांस से नीचे मानो मेन से ऊपर मानो इसको एनसीआरटी बेस्ड सिलेबस हमें देखने को मिलना दो सौ मार्क्स का पेपर है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है दो दो घंटे तो तो वाले बहुत सारे है। इसको अगर आप दे रहे हो तो आप सिर्फ मेरे हिसाब से जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आपको एम करके इस पेपर को देना चाहिए नीचे वाले कॉलेजेस का इतना ही नहीं है ये वाला आरोप वही वाला है जो मेरे मामा कहते थे आपको लगाने की जरूरत है एक चौमिन का स्टॉल इन कॉलेज में जाने से अच्छा आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से नंबर सेवन पे आ जाता है एमएस सेट एम एस टी सेट यार सेम वाले पे बना हुआ है महाराष्ट्र का ये हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है वही वाले एग्जाम आप देख रहे हो बता रहा हूं आपको ये उल्ट सीधे नहीं बताऊंगा इस छोटी सी स्टेट है इसका कोई एग्जाम दे दो वो वाले बता रहा जहां पे ठीक ठाक कॉलेज है और कौन से कॉलेज को टारगेट भी करके चलना है फॉर एक्जाम्पल एम सेट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है सीओईपी पुणे के अंदर दूसरा आपको मिल जाता है वीजेटीआई मुंबई के अंदर और तीसरा आपको एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस के अंदर भी एडमिशन मिल जाता है भैया ये कोई वो यूएस वाला एमआईटी है नहीं नहीं है

ट्वेल्व का पीपीटी डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल है यश के नाम से दो मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है हर तो ,00 साल की छह से सात लाख रुपए का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा यहाँ के टिपिकल कॉलेज से पच्चीस तीस लाख का पैकेज आता है तो एक चीज ये नोट करने वाली है सीलिंग यहाँ पे आपको एक डेढ़ दो करोड़ वाले नहीं मिलेंगे बट हाँ कुछ कॉलेजेस है जहां पे आपको Amazon दिख जाएगी फेसबुक आ गई कहीं कहीं पे गूगल आ गई तो वो जनरल ट्रेंड है 2028 में आपकी प्लेसमेंट लगेगी तो उसके बेसिस पे आज 2023 में comment करना थोड़ा सा मुश्किल है है पे यार हमारा आ जाता NDA नेशनल डिफेंस में तो यार ये वाला भी एक बहुत प्यारा एग्जाम है बहुत सारे बच्चे इसको अब कंसिडर करने लग गए तो हमारा कंडक्टिंग बॉडी कौन है यूपीएससी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये आप एलिजिबिलिटी

या फिर हरियाणा से राम राम सारे भाइयों ने तो उस वाले केस के अंदर भी आपको लिखना चाहिए अगर आपको चाहिए बैगलोर के अंदर अपनी नौकरी सिक्योर करनी है या सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के अंदर आपको पढ़ाई करके वहीं पर नौकरी करनी है तो कॉमेड के एग्जाम मेरे को लगता है आपको लिखना चाहिए कॉमेड के और के ये दो एग्जाम है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो लिखने के लिए ठीक है इसके बारे में आगे बताता हूँ लास्ट तक रुके रहना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कौन सी ब्रैकेट में किसको कौन से एग्जाम लिखने चाहिए सबकी फीस थोड़ी भरोगी दस एग्जाम की पचास हजार फीस बैठ जाएगी कोई फायदा नहीं है कॉमेड के से आपको एडमिशन

के अंदर पढ़ने लग रहे हो वहां प्लेसमेंट लेना है तो उससे अच्छा बैंगलोर से ही बहुत सारे बच्चे रिक्रूट कर लेते हैं तो इसलिए ये वाला कॉलेज एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है एग्जामिनेशन टाइम नहीं बारह मई दो सब्सक्राइब बटन के नीचे प्लीज यार प्लीज प्रेस कर देना बहुत मेहनत लगती है ये सारा डेटा आप लोगों के लिए जुगाड़ने में और आगे बहुत सारा एडमिशन कंटेंट आपके लिए आने वाला है जे मेन से ये हमारा रहने वाला है टॉप कॉलेज जो भी हमारे बैंगलोर के कर्नाटका के वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा एक

एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है हाईएस्ट पैकेज 75 लिखना था पंद्रह लिख दिया 75 लाख का आपको इस कॉलेज से भी देखने को मिल जाता है, नहीं है आपको देना चाहिए। जब, देना, अगर आपकी तैयारी अच्छी है वरना कोई फायदा नहीं है <coughs> विटी, आपको दे सकते हो बट अगर साउथ इंडिया में जाके नहीं पढ़ना है तो वीआईटी और मणिपाल आपके उस वाले केस के अंदर हमारे कैंसिल हो जाते हैं साउथ इंडिया वाला अगर है तो thank mm -hmm. you ठीक है इसके अलावा कौन सा देना चाहिए डब्लू बी जे देना चाहिए हाँ देना चाहिए मेरे हिसाब से एम एस टी साइड यार ये सरकारी एग्जाम्स हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा रिकमेंड करता हूँ कॉमेंट के देना चाहिए बिल्कुल देना चाहिए ठीक है ये वाले हैं हमारे यू जी डबल के बारे में मैंने आपको बता दिया मोटे मोटे ये है आर्मी की साइड जाने का मन है तो एन डी ए का एग्जाम दे सकते हो एक जो अच्छी चीज़ कर सकते हो ये है कि जेई की तरफ फोकस करके चलो ये सारे एग्जाम आते रहेंगे एक दिन बैठो मम्मी पापा से परमिशन लेके सारे एग्जाम जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके लिए रजिस्टर कर दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर

किसी एक बच्चे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्सनली गाइड कर सकूं इन्हीं कमेंट सेक्शन में से चूज करके तो मेरे को बताओ आप कौन कौन से एग्जाम लिखने की सोच रहे हो मिलता हूं यार मैं किसी और नई वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इट्स रैप अप बाय